पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सरकारी जमीन पर किसी को भी काबज नहीं होने दिया जाएगा। इन ख्याल का इजहार सैयद वसीम हसन ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतजामिया इस वक्त पंजाब हुकूमत की हिदायत को अमल करते हुए काबजीन से जगह बागजार करवा रही है। गुज़िश्ता रोज 45 WB में जो कार्रवाई अमल में लाई गई वो ऐन कानून के मुताबिक है। मुझे इतला मिली तो मैंने हल्का पटवारी राणा शफीक कानू को मार मोहम्मद नवाज को मौके पर भेजा गया, तो मौके पर पहुंचकर पटवारी राणा शफीक ने बताया कि चंद अफराद ने सरकारी रकबे पर काबज हो रहे हैं, जिनमें मोहम्मद हनीफ, बशीर, लतीफ, सजाद, फयाद और दीगर ने 8 नामालूम अफराद सरकारी रकबे पर काबज हो रहे हैं। मना करने पर इन अफराद ने हमला करके कार सकार में मुदाखलत की। और पटवारी राणा शफीक ने मजीद बताया कि चंद अफराद ने बेबुनियाद मनगढ़ंत खबर लगवाई कि पटवारी और कानू को जाती घर खाली करवा के मजलूम अफराद को बेघर कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है, इसमें कोई सदाकत नहीं, और सरकारी रकबा भी वागजार करवा लिया है। मोहम्मद शफीक पटवारी हल्का 45 WB। मुझे सुबह इत्तला मिली के कुछ लोग गवर्नमेंट के इख्तबा पर नजायज कब्जा कर रहे हैं। मैंने आकर अपने कानूगो को इत्तला दी और तहसीलदार को दी और एसी साहब के नोटिस में दी। मैं और कानूगो मोहम्मद निवास मौका पर पहुंचे। कुछ लोग मौका पर गवर्नमेंट के रकबा पर नजायज कब्जा कर रहे थे, जो कि हमने जाके उनको वहाँ से भगाया और रकबा गवर्नमेंट का वागजार कराया था। हमने ना किसी का कोई मकान गिराया है, जो ये खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, और ना किसी का सामान बाहर फेंका और ना ही हमने कोई छत गिराई है किसी की। जो दीवारें बना रहे थे, नई दीवारें बना रहे थे, जो मौके पर नया कब्जा कर रहे थे, वो हमने वागजार करवाया है और हमने कोई इज्जत नहीं की किसी का।